आइए समझते हैं वसीयत रद्द करने के संबंधी क्या कानून हैं और क्या प्रक्रिया इसके लिए अपनाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, वसीयत या उत्तराधिकार संबंधी जो दस्तावेज होता है, जो कागज होता है, वो उसको विल भी कहते हैं अंग्रेजी में। वो 1925 में हमारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत बनाया जाता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। और वसीयत कोई बनी हुई है, आपको लगता है कि ये वसीयत गलत है, या किन किन हालात में वसीयत वैसे भी गलत हो सकती है, इस संबंध में क्या कानून है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वसीयत में कोई भी आदमी अपनी संपत्ति, स्वयं अर्जित जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसको वो विल कर सकता है और वो किसी को भी दे सकता है। इस बारे में एक स्पष्टीकरण ये है कि जो प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट की है उसकी वसीयत वो नहीं कर सकता है, उसमें चेंज नहीं कर सकता। वो उत्तराधिकार का नियम है, अगर उसके दो बच्चे हैं तो दोनों को बराबर जाएगी, अगर तीन हैं तो तीनों को जाएगी, उसमें कोई फेरबदल वो नहीं कर सकता। लेकिन जो उसने सेल्फ एक्वायर्ड की है, जो स्वयं अर्जित की है, चल अचल दोनों संपत्ति, वो अपनी वसीयत में किसी को भी दे सकता है। अब देखते हैं कि वसीयत में क्या क्या गलतियां हैं जिसके कारण वसीयत रद्द मानी जा सकती है या वसीयत होने के बाद भी इनवैलिडेट हो गई। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति ने वसीयत बनाई हो अपने जीवन काल में, उस वसीयत को कभी भी वो चाहे तो रद्द कर सकता है, दूसरी वसीयत बना सकता है या पहली वसीयत को रद्द कर सकता है, और बेनिफिशरीज को अगर बताया है तो उनको सूचना दे देगा कि ये वसीयत मैंने रद्द कर दी है। इस तरह से ये वसीयत रद्द की जा सकती है। दूसरा ये है कि जिस व्यक्ति ने बनाया है, अगर उसके दो बच्चे हैं और बाद में कोई और बच्चा होता है, तीसरा बच्चा होता है, चौथा बच्चा होता है, या उसका विवाह विच्छेद हो जाता है या उसकी शादी नहीं होती है, तो वसीयत में जो अरेंजमेंट किया गया था उसको समझाना पड़ेगा और उस हालत में जो पहले वसीयत बनाई गई थी वो वसीयत इनवैलिडेट हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। अगर उसको कोर्ट के सामने लाया जाता है तो कोर्ट इस बात पर गौर करेगी कि जब ये वसीयत बनी थी तो ये बच्चा नहीं था दुनिया में, बाद में पैदा हुआ है, या इसकी शादी बाद में हुई है, या इसका उत्तराधिकार कैसे होगा, इस बारे में वसीयत वो कोर्ट तय करेगी और अधिकार तय करेगी। तीसरी बात यह है कि अगर कहीं से आप प्रूव कर देते हैं कि ये वसीयत किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में बनवाई गई है, उनको प्रलोभन दिया गया, उनको धोखे में रखा गया बनाने वाले को, तो उन्होंने वसीयत प्रलोभन में बनाया, गलत फैक्ट्स के हिसाब से बनाया, तो उस हालत में भी ये वसीयत कैंसिल की जा सकती है। अगली दशा ये है वसीयत कैंसिल करने के बारे में, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर जो वसीयत करने वाला आदमी है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो वैसी हालत में नहीं था कि वो दिमागी रूप से ठीक से सोच सके, समझ सके, इसलिए जो वसीयत उसने की है वो गलत मानी जाएगी। और अगर आप ये प्रूव करते हैं तो ये वसीयत गलत मानी जाती है। अगली दशा ये है कि जो गवाह हैं वो प्रॉपर नहीं थे, गवाही प्रॉपर नहीं की गई, गवाही देने वाला कहता है कि इसमें जो भी लिखा गया था वो वसीयत पर जिसने भी साइन किया, जिसने अपनी वसीयत बनाई, उसको नहीं पता था इसमें क्या लिखा गया है, तो ये एक तरह से फ्रॉड हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैसी हालत में भी वो वसीयत रद्द मानी जाएगी। एक दशा और है वसीयत के बारे में, जिसमें ये वसीयत जिसने बनाई है सही रूप से स्वस्थ नहीं है, उसकी उम्र इतनी हो गई है कि वो अच्छी हालत में नहीं है, और बिना डॉक्टर के एग्जामिनेशन के ये वसीयत बनाया गया है, तो ये भी होगा कि वो उस हालत में नहीं थे शारीरिक रूप से और दिमागी रूप से कि वो वसीयत बना सके, इसलिए ये वसीयत रद्द मानी जाएगी। ये मोटा मोटी तीन चार ग्राउंड है जिसके ऊपर कोई भी वसीयत रद्द मानी जा सकती है। जब तक आदमी जिंदा है वो जब चाहे अपनी वसीयत रद्द कर सकता है, जब चाहे वापस ले सकता है, नई वसीयत बना सकता है, पिछली वसीयत से उसका कोई वास्ता नहीं, वो जैसा लिखना चाहे, जैसे अपनी संपत्ति को जिसको देना चाहे वो लिख सकता है। इस बारे में कानून बहुत ही स्पष्ट है और इसमें उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। अब उस आदमी की मृत्यु के बाद वसीयत में झगड़ा होता है, तब ये कोर्ट में चैलेंज होता है और वसीयत को इन्फोर्स कराने के लिए प्रोबेट की प्रोसीडिंग्स लगानी पड़ती है। प्रोबेट एक सर्टिफाइड कॉपी है विल की, जिसको कि कोर्ट सर्टिफाई करके देती है, और उसकी प्रोसेस है कि गवाहों को बुलाया जाएगा, उत्तराधिकारी रिश्तेदारों को सबको बुलाया जाएगा, अखबार में नोटिस दिया जाएगा कि ये वसीयत है और इसको हम अभी प्रोबेट करने वाले हैं, तो आपको कोई आपत्ति है तो कोर्ट में आकर आप आपत्ति दर्ज कराइए, और रिश्तेदार या जो अफेक्टेड लोग हैं वो जाकर आपत्ति दर्ज कराते हैं, और वहाँ पर अगर विवाद हो जाता है तो कोर्ट उस विवाद को निपटाती है। उसको देखते हुए भी
फाइनली तय करती है कि ये वसीयत सही है, गलत है, क्या है। अगर उस वसीयत का कुछ हिस्सा गलत पाया जाता है तो कोर्ट उसको कह देती है कि ये हिस्सा गलत है। इसके अलावा भी सिविल कोर्ट में भी वसीयत को आप चैलेंज कर सकते हैं, और प्रोबेट प्रोसीडिंग्स में तो जो बेनिफिशियरीज हैं वही जाते हैं, दूसरे लोग जो उससे अफेक्टेड अदरवाइज हैं, कोई किराएदार है, कोई पड़ोसी है और वो उससे अफेक्टेड है, तो वो सिविल कोर्ट में जाकर उन प्रोसीडिंग्स को कर सकता है और वहाँ चैलेंज कर सकता है। इस बारे में एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी पहली वसीयत में कोई स्पष्टीकरण, कोई और चीज़ ऐड करें तो उसको कोडिसल कहा जाता है, और वो आप कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को आपने समझाया है, कोई फेरबदल की है, दूसरी वसीयत मान लो आप नहीं बनाते हैं, आप पहली वसीयत में ही एक एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसको क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं किसी विषय को, कभी भी आप कर सकते हैं, तो वो उसका पार्ट माना जाएगा, वो कोडिसल हो गया और वो उसी वसीयत का हिस्सा माना जाता है। उस वसीयत को पूरा दोनों पार्ट को मिलाकर पढ़ा जाएगा, और जब भी ये चैलेंज होगा या जब भी ये इन्फोर्स होगा तो वो दोनों पार्ट एक साथ चलेंगे। इसलिए ये एक नया शब्द है कोडिसल, जो कि कानून में हम लोग प्रोबेट प्रोसीडिंग्स में या विल के इन्फोर्समेंट से संबंधित में ये शब्द प्रयोग करते हैं, और कॉमन मैन के सामने जब भी ये शब्द आता है तो उसको लगता है कि पता नहीं क्या है ये, इसलिए मैंने समझा दिया ये चीज़ कोडिसल है ये। और अदरवाइज वसीयत का कानून अगर आपको जानना है तो सेक्शन 2 जो इंडियन सक्सेशन एक्ट का 1925 का है, उसको आप पढ़ के उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। वैसे वसीयत से संबंधित जो कानून है वो बहुत ही टेढ़ा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए सरसरी प्लेन रीडिंग से आप इसके बारे में बहुत कुछ नहीं समझ सकते। जब भी ऐसा कोई वसीयत को चैलेंज करना हो या वसीयत को इनवैलिडेट कराना हो तो उसमें आपको एक अच्छे अधिवक्ता की, एक अच्छे ट्रेंड लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लेन रीडिंग से उसके बहुत सारे कानूनी दाव पेच होते हैं जो कि आप जनरली नहीं समझ सकते। इसलिए वसीयत का कानून देखा जाए तो इंडियन सक्सेशन एक्ट पढ़ने में, प्लेन रीडिंग में तो सिंपल लगता है, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत ही टेढ़ा कॉम्प्लेक्स है, और बहुत ही समझदार लॉयर के बिना ये केसेस सुलझते भी नहीं हैं, और कोर्ट्स भी इनमें सालों लगा देती हैं इनका फैसला करना।